आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर तथा खुद का ब्लड डोनेट करके रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया तथा इस शिविर में RPF के जवान सहित सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में अधिकारियों व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने जनमानस से कहा कि ब्लड देने में बिल्कुल ही ना हिचके, ब्लड डोनेट करने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती और हमारे ब्लड से किसी रोगी की जान बच सकती है, इस दान से कोई बड़ा दान नहीं हो सकता। वहीं CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट करने के लिए RPF की टीम, खिलाड़ी, यूनियन एसोसिएशन के मेंबर और रेलवे के अधिकारी एवं कर्मचारी ब्लड डोनेट किए। उन्होंने नागरिकों से कहा कि जहां पर भी कैंप लगे जरूर ब्लड डोनेट करें, ब्लड डोनेट करना सबसे बड़ा दान है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह एवं महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने कहा, media persons, all the donors, ladies and gentlemen, a very good morning to all. I, Dr. Anita, this is a very noble event of blood donation camp. As we all know, we are celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate the 75th year of blood donation is a community service, and what can be more rewarding and satisfying than to be able to improve and save lives of fellow humans. To request this August gathering to please come forward and participate in this camp. I'm sure we can help improve and save lives of many people. Manager sir, for the formal inauguration of the camp and lighting of the lamp. Sir. बहुत अच्छी बारिश आज की है, तो गॉड इज विद अस। रिस्पेक्टेड GM सर, SDM सर, दे आर वेरी ऑब्लाइज टू देम, दे आर वो पूर्वांचल के अद्वितीय ब्लड बैंक है, विभिन्न विभागों से आए हमारे रक्तदाता, यूनियन के सभी पदाधिकारी, मीडिया के सभी सदस्य, आज हम लोग एक पवित्र पुनीत रक्तदान के यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। कल नहीं कोई इबादत पूजा इंसानी फर्ज निभाने को रक्तदान। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि और जिनकी वजह से आज ये आयोजन हो पा रहा है, वो सारे ब्लड डोनर्स, सबसे पहले तो मैं अपने PCMD और हॉस्पिटल की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सफल होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बेड्स लिमिटेड हैं और डोनेशन वालों की मेरे को लगता है कि नंबर ज़्यादा होगी, उसमें हर डोनेशन में टाइम लगता है। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने कई फिर से रिपीट करूँगा कि जितनी भी हम लोगों की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, साइंस आगे बढ़ चुकी है, ऑर्गन्स भी अब डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन ब्लड अभी सिंथेटिक ब्लड जो है वो अभी भी बहुत दूर है। इसलिए अगर ब्लड की कमी है तो ब्लड डोनेशन इज द जो किसी डोनर से अच्छा ब्लड है वही एक सोल्यूशन है। और हम लोगों का ब्लड जो है ऐसा नहीं कि ब्लड देने से कमी हो जाती है, तो आपकी बॉडी कुछ दिन बाद उसको रिप्लेनिश कर देती है, और अदरवाइज अगर आप उसको ना भी देंगे, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, फिर भी जो आप हैं अगले क्षण वो आप नहीं होते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं तो वही सोचता हूँ, वही सब है, लेकिन आपकी बॉडी के सेल्स मरते रहते हैं, नए सेल्स आते रहते हैं, तो एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम यू आर चेंजिंग। उसी तरह खून के भी सेल्स मरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो ब्लड डोनेशन एक बहुत नोबल कॉज है, पवित्र काम है और इंसानियत के काम आने वाला काम है, और वो इंसान की आज दूसरे इंसान के काम ना आ सके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अधिक से अधिक मात्रा में लोग ब्लड डोनेट करने आएंगे और इस आयोजन की सफलता की शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद।
पीछे करेगा भैया, हाथ पीछे करेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश। ऐसे में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय के तत्वावधान में आज ये ब्लड कैंप आयोजित किया गया है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है ब्लड डोनेट करने वालों की, और RPF के लगभग 100 लोग, 50 से ज़्यादा खिलाड़ी और यूनियन एसोसिएशन के मेंबर्स, रेलवे एम्प्लॉयज, रेलवे ऑफिसर्स, ये सभी ब्लड डोनेट करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ आदरणीय महाप्रबंधक महोदय ने किया। उन्होंने न सिर्फ फीता काट के या लाइट जला के शुभारंभ किया, बल्कि ब्लड डोनेट करके शुभारंभ किया। तो ये एक बहुत ही नोबल कॉज है। सभी से अपील है कि आप लोग ब्लड दें, जिससे कि अगर कोई हॉस्पिटल में किसी को ब्लड की आवश्यकता हो तो उसको आदमी की जरूरत ना पड़े। इस ब्लड डोनेशन कैंप की जो शुरुआत हुई थी, जब ये हम लोगों ने सोचा था कि एक कैंप लगाना चाहिए, उस समय हॉस्पिटल में किसी कारणवश ब्लड की आवश्यकता थी हमें, हमारे परिवार को। तो ये हुआ कि किसी को ब्लड डोनेट करने के लिए आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने प्लान किया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ब्लड एडवांस में डोनेट करके रखते हैं, जिससे किसी को रेलवे हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने जिस टाइम आवश्यकता हो उस टाइम ना डोनेट करना पड़े। बैंक में ऑलरेडी हम करके रखें, जैसा कि पहले भी डॉक्टर साहब ने बताया, जो CMD साहब हैं, कि ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता है और ब्लड केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिंथेटिक ब्लड अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, कोई रिसर्च इतना आगे नहीं बढ़ा है। तो ऐसे में सभी से अपील है कि
रेगुलर इंटरवल पे ब्लड डोनेट करें, जहाँ भी कैंप में या जैसे भी मौका मिले। ब्लड का दान सबसे बड़ा दान है। धन्यवाद। ये ऐसा है कि हमारी साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन तब भी जो ब्लड है, जो हम लोगों के ब्लड में शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है ब्लड, एक जो इसका सिंथेसिस अभी भी साइंस नहीं कर पाई है, तो ब्लड डोनेशन ही एक इसका तरीका है जिससे कि जिसको ज़रूरत हो उसके तरफ ब्लड पहुँचाए सके। इसके लिए ब्लड बैंक होते हैं और समय समय पर ब्लड दिया जा सकता है और ब्लड हम लोग की बॉडी में वापस रिप्लेनिश हो जाता है। तो इसी तत्वाधान में और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे अस्पताल ने ये आयोजन किया, पूर्वोत्तर रेलवे ने, और इसमें हम हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और उम्मीद है ये जो पावन हम लोगों का जो हम लोगों ने आज पर्व का आयोजन किया है सफल होगा। जनमानस से क्या कहेंगे? जनमानस से यही कहेंगे कि खून देने में बिल्कुल भी ना हिचके। खून जो आपका ब्लड है वो बाद में रिप्लेनिश हो जाता है और अगर आप हेल्दी हैं तो देना चाहिए और रेगुलर देना चाहिए, क्योंकि अच्छा खून ही आगे किसी रोगी के काम आएगा, किसी की जान बचाएगा और मानवता के लिए इससे बढ़िया पुण्य कार्य कोई अन्य नहीं हो सकता।